हेलो गाइस, मैं तारिक हूँ और आज मैं आपको अपने कबूतरों का शौक़ फिर से कराने जा रहा हूँ। एक ऐसी नसर जिसका इतिहास बड़ा रोचक है और इंटरेस्टिंग है, ये पापा ने हमारे बताया है, तो वो ज़रूर बताना चाहूँगा। आज मैं आपको बंजारे वाले कबूतर दिखाना चाहूँगा। ये है बंजारे वाले, ये देख रहे हैं आप, नर है और ये मादा है। इनका भी इतिहास बड़ा अच्छा है। पहले तो आप शौक कर लीजिए जोड़े का, उसके बाद मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ कि कहानी ये बंजारे वाले नाम कैसे पड़ा और कितना अच्छा उड़ते हैं, काले नाखून होते हैं, काली चोच होती है और बड़े खूबसूरत कहलाते हैं, मतलब खास होता है इन कबूतरों का भी। कितनी जैसा उड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, एक ही जगह उड़ते हैं, तो उनका भी इतिहास आज आपको बताऊँगा। ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक टोक जगह है, उसके नवाब हुआ करते थे, तो उन्हें कबूतर पालने का बड़ा शौक़ था। और जो ये नस्ल आप देख रहे हैं, ये बंजारे वाले जो होते थे पहले कबीलों में, बंजारे वाले घूमते रहते, उसके पास ये कबूतर हुआ करता था। नवाब साहब को ये कबूतर बड़ा पसंद आ गए, तो उस बंजारे से नवाब साहब ने कहा कि भैया ये कबूतर हमको दे दो। बंजारे वाला देने को नहीं तैयार, बड़ा पैसे लत्ते सब कुछ दिए जा रहे, लेकिन बंजारे वाला देने को तैयार ही नहीं हुआ। बंजारा जात होती है, हमारे शिवराम भी बैठे हैं। बंजारा जात होती, बछड़ा छड़ा एड़ी बेचो पत्ते। हाँ, तो नवाब साहब ने कहा कि यार तुम दो तो बड़ा ना नुकुर करके बंजारे वाले ने एक शर्त रखी कि नवाब साहब हम आपको कबूतर ये तब देंगे जब आप इसका नाम हमारे नाम से रख देंगे हमारी। तो नवाब साहब ने कहा ठीक है, शर्त तुम्हारी कबूल है। तब से नवाब साहब ने उन बंजारे से ये कबूतर लिए और तब से ये बंजारे वाले कबूतर कहलाने लगे हैं। बड़ी खूबसूरत नस्ल होती है, आप देखिए ठाट के कबूतर होते हैं, काले नाखून, ये देखिए जोड़ा देखिए आप कितना खूबसूरत, ये मादा है। काले। हाँ, और ये नर है, बहुत ही खूबसूरत कबूतर है ये देखिए। तो ये नस्लें बड़ी पुरानी हैं और पापा मेरे कहते हैं हरे बेदाग और ये बंजारे वाले बनाए नहीं जा सकते हैं, बड़े कीमती होते हैं और बहुत ही अच्छा उड़ते हैं। ये तो मैंने देखा इस नर को। ये मादा भी बड़ी पुरानी थी, तो हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने हमको मादा ये दी है, अपने घर की है, तो बड़ी खूबसूरत मादा भी है। इससे पहले नर के बच्चे निकले थे तो मादा उसकी ख़त्म हो गई थी। तो ये शौक करिए आप और देखिए, काले नाखून, चौड़ा सीना। तो इनकी एक कहानी थी छोटी सी जो पापा हमें बताते हैं, तो हमें हम लगा कि आपको बताने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को मालूम भी होगा, मैं उसमें कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन पापा का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करता हूँ कि ये ज़मीन हकीकत है और मुझे जितना पता चला पापा ही से पता चला। तो ये मादा देखिए, बड़ी काले नाखून, ये देखिए नर है, मादा की बदन, बैठक, नाखून, खूबसूरत जोड़ा ये देखिए। तो मुझे बहुत बेहद पसंद है। पिछले साल एक बच्चा निकाला था, उड़ गया था, एक दो दिन छोटा बच्चा था, इधर उधर चील कौवों ने दौड़ाया तो भटक गया, दो दिन तक इधर उधर घूमता रहा, फिर पता नहीं कहाँ गया, लेकिन बहुत ही अच्छा उड़ रहा था ऊपर। तो ये हमारा एक जोड़ा है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हमारा बंजारे वाला। और बाकी अभी ढाबली बंद है, एक ढाबली ऊपर है, पूरा कमरा था 12x12 का, ये जो आप कमरा देख रहे हैं कबूतरों का ही कमरा था। ये बल्लियाँ अंदर लगी थी जो कि अब बेकार हो गई, तो यहाँ लगा दी पापा ने। ये छत पड़ी है, छत पे चारपाई डाल के पापा आसमान में हम लोग कबूतरों को ऐसे देखा करते थे, ऐसे देख कर फिर हम कबूतर को इंतज़ार करते थे कि आ जा। तो ये बंजारे वाले आज शौक़ कराया आपको छोटा था, और कहानी भी बड़ी रोचक है।
गुई बहुत अच्छे है कबूतरों में, थोड़ा अच्छा होता है गुई वाले कबूतर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कबूतर अच्छा लगा हो, हमारा शौक अच्छा लगा हो। हमें प्यार देते रहिए, पापा को हमारे प्यार देते रहिए। शुक्रिया।